एल सीतल सिंह फ्रॉम न्यूज मोमेंट वेलकम यू टू न्यूज मोमेंट इंग्लिश। टुडे इज फ्राइडे, इट्स फॉर मोमेंट फ्राइडे विद समथिंग डिफरेंट। ऑन दिस डे सबे बारात इज बीइंग सेलिब्रेटेड अलोंग विद बसंत उत्सव और होली। News Moment team extend its best wishes to all. Celebrations will be joyful if you care of others. Today we have exclusive interviews with renowned professor Dr. Biru Rajak of Asansol Girls College of Computer Science. Its prospect in the contest of employment and senior teacher Vikas Kumar Sao on education. Stay with us till the end after the break. Stay with us for more news after the break. TVS PSJ TVS Play Smart Play Pig. For more information, contact 8695607709 or 1800123399999. Here is the interview with Dr. Biru Rajak conducted by Seetal Singh and Twinkle Barnwal on the subject Computer Science and its prospects in the context of employment. Myself Seetal Singh, welcome you to News Moment English. Today we are in the Asansol Girls College with HOD of Computer Science Department, Biru Rajak sir. Sir, I want from yourself that tell me something about computer science and its prospect in context of employment. Okay, as we all know, this is the technical era, and without the technology, we can't proceed a single step. तो हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, मतलब कंप्यूटर साइंस पढ़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग की जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, हम लोग इसके ऊपर आज बात करेंगे। देखिए कंप्यूटर साइंस, पहले मैं जॉब अपॉर्चुनिटी से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस को हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस को हम लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस की तरह से पढ़ सकते हैं, बीसीए जो हम लोग आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में बीसीए और कंप्यूटर साइंस ऑफर करते हैं बीएससी, इसके बाद बीटेक होता है इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन आईटी, सभी ये सब ब्रांच कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। तो ये होती है पढ़ने की बातें। अपॉर्चुनिटी, मैं बेसिकली आई एम गोइंग टू फोकस ऑन बाय द कंप्लीटिंग बीएससी डिग्री फ्रॉम द डिग्री कॉलेजेस, बेसिकली आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो फोकस ऑन द पार्ट आफ्टर व्हाट विल यू कैन डू आफ्टर डूइंग द एमटेक बीटेक एमटेक एंड पीएचडी। ए लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इज देयर नॉट ओनली इन द गवर्नमेंट सेक्टर बट इन ऑल्सो इन प्राइवेट सेक्टर। कंप्यूटर साइंस में हम लोग का जो प्राइवेट सेक्टर है ये ज्यादा बूम पे है। देखिए ये पहले मैं कोर्स स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ। अगर आप बीएससी पढ़ते हैं, बीएससी पढ़ने के लिए आपको 3 साल का ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस होते हैं। इस कोर्सेस में आपको क्लास 12 होना चाहिए साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से अगर कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होता है क्लास टू प्लस टू पे, तो आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। आसनसोल की बात करते हैं तो आसनसोल काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के अंदर में 8 कॉलेजेस हैं जहाँ पे बीएससी इन कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है। हम लोग ऑनर्स के साथ में प्रोग्राम कोर्स भी ऑफर करते हैं। ये 3 साल की कोर्सेस है। कर लेते हैं बात फी की। फी बहुत ही कम होती है, पर ईयर 7,000 से 8,000 रुपया। तो आप अगर 20,000 रुपया के अंदर में आप ये पूरा कोर्स कर लेते हो, बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात है कि मतलब हमारे यहाँ पे मतलब बच्चे, हम लोग का सीट्स 30 सीट्स हैं बट ये फुल फिल नहीं हो पाती है। अवेयर नहीं है बच्चों लोग में, अवेयरनेस नहीं है कि हमको कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना है। मैं अपने कॉलेज की बात करता हूँ, नैक में ए ग्रेड कॉलेज है, आसनसोल का टॉप मोस्ट कॉलेज में आती है इसकी गिनती। इसमें हमारे कॉलेज की सीट फुलफिल नहीं होती है। रीजन है कि बच्चों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। मैक्सिमम सीटें क्या हो जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो कोर सब्जेक्ट है साइंस के, जितने भी क्रीम बच्चे रहते हैं यहां आ जाते हैं। बेसिकली बच्चे तो साइंस वाले बच्चे बायोलॉजी मेडिकल और इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं, इसके बाद जो बच्चे बच जाते हैं कुछ, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे आते हैं। उससे जो बच्चे बच जाते हैं वहां उनको एडमिशन नहीं मिलता, वो कंप्यूटर साइंस में आते हैं। लेकिन आप पिछले 3 साल का डेटा देखिएगा, मैं आसनसोल गर्ल्स कॉलेज के साथ में मैं काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में बीसीए का कोऑर्डिनेटर भी हूं, तो मुझे प्लेसमेंट का आइडिया है और कैसे बच्चों का प्लेसमेंट होता है ये मैं बता सकता हूं आपके साथ में। तो ये हुई पढ़ाई की बातें।
कैसे पढ़ना है, कोर्स क्या है, कैसे एडमिशन लेना होता है। सर, एक अदर जो प्राइवेट कोर्सेज जो चलाते हैं, जो अदर जो इंस्टीट्यूशन से जो प्राइवेट कोर्सेज चलाते हैं, उनके यहाँ स्टे विथ अस फॉर मोर नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट आफ्टर द ब्रेक। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्या है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर चाह रहा है, आप लोग उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SBKY रोड पे। After the break, here is more on the subject. एडमिशन करा हाँ, वो आ रहा है उसमें लेकिन आपके कॉलेज में क्यों नहीं होता? हाँ, वो आ रहा है, ठीक है। तो बात होती है कि एडमिशन कम क्यों हो रही है। एडमिशन कम होने का एक ही कारण है, अवेयरनेस नहीं है बच्चों के बीच में। कंप्यूटर साइंस लेकर के कोई क्रेज नहीं है अभी। सभी चाहते हैं कि बीटेक एमटेक करे, मेडिकल करे, इसके बारे में पता नहीं है कि हाँ ये कोर्सेज भी यहाँ चलती हैं। पिछले साल जब एडमिशन हम लोग का कम हो रहा था तो मैं आसनसोल में जितने भी गर्ल्स कॉलेज था सभी के प्रिंसिपल को मैंने एक इंडिविजुअली मेल किया था, सभी से मैं बात किया था। तो वो लोग उस समय देखे थे कि उस समय एडमिशन 22 बच्चों का एडमिशन हुआ था। नॉर्मली ये थर्ड ईयर तक जाते जाते 14-15 ही बसते हैं। पिछले 4 साल का आप डेटा देखिएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, पिछले 4 साल का डेटा देखिएगा। मैं सभी कॉलेजेस पे आऊंगा, मैं पहले गर्ल्स कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। 4 साल की बात करते हैं तो मेरे पिछले 3-4 साल से हर एक साल अगर 10-12 बच्चे होते हैं तो उसमें 8-9 बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। प्लेस्ड कहाँ होते हैं? IT सेक्टर है प्लेसमेंट के लिए। विप्रो, TCS, कॉग्निजेंट, एसेंचर, ये सब कंपनियां आती हैं। हम लोग का उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम लोग कॉलेज में बुलाएं। हम लोग कोलाबरेट किए हैं आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ में और दुर्गापुर BC राय इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ में। कोलाबरेशन में हम लोग क्या होता है, जब वो ऑफ कैंपस ड्राइव होता है तो हम लोग अपने बच्चों को वहां भेजते हैं। वहां जाकर के बच्चे उन लोगों के बच्चे के साथ में बैठ करके जॉब अपॉर्चुनिटी करते हैं। और अब जब हम लोग 12-13 बच्चे भेजते हैं उसमें से 7-8 लोगों का प्लेसमेंट हर साल हो जाता है। लेकिन कुछ लोग 7-8 लोगों में से कुछ लोग ही जॉब करने जाते हैं, कुछ लोग हायर स्टडी में चले जाते हैं। जॉब की बात करते हैं, जॉब की सैलरी BSc करके जॉब की सैलरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब पे भी आएंगे। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि सैलरी कितनी होती है। विप्रो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें आपको वो हायर एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगा, इसके साथ में आपको पढ़ाएगा मतलब स्टाइपेंड के रूप में 16,000 रुपये पर मंथ देगा। ये 4 साल का वो कोर्स है, उन लोगों को 4 साल, लेकिन ये आपके बाउंड होना को एक बाउंड साइन करवाता है 4 साल कि आप एमटेक करोगे, आपको एमटेक कराएंगे तो आप कंपनी छोड़ के ना जाओ। तो ये 4 साल का बाउंड है। आप ये कंपनी में जब जाते हो प्लेसमेंट होता है आपको स्टार्टिंग सैलरी नहीं स्टाइपेंड बोलेंगे 16,000 रुपया मिलती है। साथ में वो लोग एमटेक कराएंगे, सप्ताह में 5-4 दिन क्लास होता है, जॉब होती है और 3 दिन वो लोग क्लास कराते हैं। चार साल का वो जो कोर्स होगा तो आप 4 साल के बाद तो अगर आपकी मर्जी हुई तो आप उस जॉब को ड्रॉप कर सकते हो। हाँ एकदम बिल्कुल, उस जॉब को हम लोग बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं। 4 साल के बाउंड हम लोग का 4 साल के ही बाउंड है ये। तो 4 साल में हम लोग इस जॉब को हम लोग चेंज करके हम लोग दूसरा जॉब में जा सकते हैं। ये बाउंडेशन है। अगर आपको बीच में भी जाना होगा, आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू पे द मनी, जस्ट यू हैव साइन ऑन द बाउंड, जस्ट यू हैव टू पे अमाउंट डेट ऑफ मनी एंड दे विल प्रोवाइड अ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसके बाद आते हैं, इसके साथ में और भी कंपनियां हैं जैसे TCS हो गई, TCS भी आती हैं, TCS रिक्रूटमेंट में आती है। कुछ बच्चों का प्लेसमेंट TCS में हुआ, कुछ बच्चों का प्लेसमेंट CTS में हुआ। ये IT सेक्टर है। अब देखिए क्या होता है, सेम बच्चे बीटेक करके जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंसेस क्या होता है। एंट्री पॉइंट सिर्फ स्टे विथ अस फॉर मोर नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट आफ्टर द ब्रेक। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं,
ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। मिस्टर रजक टॉक्स अबाउट डिफरेंस बिटवीन फीस ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कॉलेजेस। हियर इट इज। सबका काम लगभग सिमिलर हो जाता है। आप बीएससी करके आ रहे हो तो आपको जो टीसीएस की बात करते हैं तो एनालिस्ट का पोस्ट नहीं मिलता, आपको प्रोग्रामर का पोस्ट मिलेगा। प्रोग्रामर में आपको एक साल नॉर्मल काम कराया जाएगा, उसके बाद आपको बीटेक के इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा, आपकी सैलरी भी बीटेक के बराबर हो जाती है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने जा रहे हो तो 6-7 लाख रुपए आपकी खर्च होती है। वहीं आप बीएससी कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो आपको 20,000 रुपए में वही चीज हो जाती है। और आपको अल्टीमेट एक साल बाद आप लोग अगर कंपनी में जाते हैं तो एक ही जगह पे चले जाते हैं। तो ये एंट्री पॉइंट अलग है, लेकिन आईटी सेक्टर में आप अल्टीमेट एक ही जगह पे जा रहे हैं। ये है एक जॉब अपॉर्चुनिटी। बीटेक की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस बीटेक में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो कोलकाता में थोड़ा इसका क्रेज कम है, लेकिन अगर आप बैंगलोर जाते हैं तो बैंगलोर में, हाईलैंड में, और ये सब जो वहां जो सिलिकॉन वैली जिसको बोलते हैं, इंडियन सिलिकॉन वैली, वहां पे कम से कम 10,000 रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां, 10,000 रजिस्टर्ड कंपनियां। अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीटेक कुछ भी करके जाते हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन वहां रह करके आप इंटरव्यू करते हो तो आपकी जॉब निश्चित है। ये अनएम्प्लॉयमेंट की दौर में जो 4-5 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट जिस रफ्तार से बढ़ी है, सभी जगह पे जॉब वैकेंसीज कम हुई है, लेकिन मैं बोलूंगा कंप्यूटर साइंस में जॉब की वैकेंसीज बढ़ी है, दुगनी तिगनी हुई है। तो ये करियर के लिए, बच्चों के करियर के लिए बहुत ही बढ़िया स्कोप है कंप्यूटर साइंस पढ़ करके आगे बढ़ने का। और बात करते हैं कि इससे पढ़ करके कहां तक जाया जा सकता है जॉब कर करके। अब अगर आईटी सेक्टर में आपका एंट्री पॉइंट सिर्फ अलग होता है, लेकिन आप अगर अच्छा काम करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ओरेकल में स्विच करने का, माइक्रोसॉफ्ट में स्विच करने का, वहां से आप अमेजन स्विच कर सकते हो। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपका ऑनसाइट भेजा जाएगा, और ऑनसाइट में पैकेज मतलब इतना ज्यादा है, 3.5 करोड़ रुपए तक का पैकेज, सालाना पैकेज मिलता है। मैं आईटी सेक्टर से हूँ, 4 साल में आईटी में था, मेरे रूममेट्स लोग, मैं टीचिंग में आ गया, मेरे रूममेट्स लोग अभी अमेजन में है, गूगल में है, 4-5 करोड़ का पैकेज पे वो लोग प्लेस्ड है। दे ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ बेसिक पॉइंट, बीटेक करके आए थे, कुछ बीएससी करके गए थे, लेकिन अभी 5-10 साल बाद पैकेज 3.5-4 करोड़ रुपया। ये गवर्नमेंट जॉब में ये इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। शायद हम लोग पूरा रिटायरमेंट का सारा पैसा भी बचा है तो 2 करोड़ रुपया नहीं बचा पाएंगे। तो आईटी सेक्टर का ये बहुत बूम है। बात करते हैं, सेकंड पॉइंट आते हैं एजुकेशन में। कंप्यूटर साइंस का अभी कंप्यूटर साइंस आईसीटी लगभग सभी स्कूलों में मैंडेटरी कर दिया है या कुछ दिनों में करने वाले हैं। तो आप बीएससी करके जाते हो तो आपके पास में बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है स्कूल टीचर में। आप स्कूल में जा सकते हो, आईसीटी टीचर बन सकते हो, वहां बहुत सारी वैकेंसीज हैं अभी। एज कम्पेयर टू नॉर्मल, मतलब जो कोर सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, उसके तुलना में कंप्यूटर साइंस पढ़ करके जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। इसके सिर्फ यही नहीं, स्कूलों में नहीं, सिर्फ स्कूलों में नहीं, बात करते हैं जैसे अभी डीएम ऑफिस हो या कोई भी ऑफिस हो, हम लोगों कॉलेज में ले लीजिए, ऑटोमेशन हो रहा है। ऑटोमेशन मतलब जो चीजें पेपर पे था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑटोमेट करके कंप्यूटराइज कर रहे हैं। तो इसके लिए लोग चाहिए डेटा एंट्री करने के लिए लोग चाहिए। तो ये हम लोग जब डेटा एंट्री के लिए हम लोग जब रिक्रूटमेंट करते हैं या हम लोग जब रिक्वेजिशन भेजते। After the break, again we are with you with valuable part of the interview. University के exams से related, मैं IQC coordinator होने के नाते भी मैं विभिन्न colleges से contact में रहता हूँ, officially unofficially दोनों तरीके से। तो मैं पांडेश्वर कॉलेज के प्रिंसिपल जयंती मुखर्जी सर हैं, उनसे मेरी रेगुलर बात होती है। तो कॉलेज बहुत छोटा है, ग्रामीण होने, रूरल में होने के कारण स्टाफ भी बहुत कम है, कन्वेंस की अनेक असुविधाएं हैं, इनके कारण टीचर कम होने के कारण वहाँ जो सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम सही रूप से चल नहीं रही है। मैं बात करता हूँ NAC की। NAC एक्रेडिटेशन कराना है सभी को, लेकिन उस कॉलेज में NAC की कोई बात ही नहीं चल रही है। और आजकल देख लीजिएगा, कंप्यूटर साइंस से मैं इसको रिलेट करना चाहता हूँ। कंप्यूटर साइंस होने के नाते जितना भी चीज़ है,
वो सबको कंप्यूटर मतलब देखिए पहले क्या होता था, फिजिकली आते थे लोग वेरिफिकेशन के लिए, एग्जाम के लिए, वो देखते थे, वो एनालिसिस करते थे। लेकिन अब हम लोग को जो नया कर क्राइटेरिया पिछले सालों से कुछ सालों से जो चेंज हुआ है वो कम्प्लीटली कंप्यूटराइज हो गया। 75% मार्क्स आपको डेटा सबमिट करना होगा। तो अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, टेक्निकल आप अवेयर नहीं है, तो आप वो डेटा को सही रूप से आप वहां पे फीडअप नहीं कर पाइएगा। अब जब आपका एनालिसिस, आपका जो असेसमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर डेटा डेट यू हैव पुट अप इनटू योर नैक वेबसाइट, तो इस जगह पे उन लोगों को अवेयर नहीं होता। जैसे अब फोटो देना है, पहले क्या था प्रूफ के तौर पे फोटो देना है, लेकिन वो लोग बोलते हैं नैक में एकदम लिखा हुआ है डायरेक्टली कि जीपीएस एनेबल्ड फोटो चाहिए। तो अगर आप टेक्निकल अवेयर नहीं है तो इस जगह पे आपको बहुत दिक्कत होगी कि यार फोटो किस टाइप का क्या मांग रहा है, तो समझ में नहीं आएगा। तो बींग ए कंप्यूटर साइंस टीचर मैं वहां पे इस चीजों को फोकस करूंगा और नैक किस तरह से हो और टेक्नोलॉजी का किस तरह से प्रसार प्रसार हो, मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा बेसिकली। एक क्वेश्चन और लास्ट, पहले बोलो मिस्टर रजक टॉक्स अबाउट द चॉइस ऑफ द कॉलेजेस, हियर इट इज। Sir, I have one more question, that why students go for public schools or colleges or tutorial classes except government classes? That means the student are opting for the private institute instead of government institute. देखिए इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो दिखता है वो बिकता है। अब देखिए प्राइवेट कॉलेज के पास में फंड है, बहुत कुछ है, उसको अपना बिजनेस करना होता है। BCA का फी हम लोग अपने कॉलेज में 30,000 है, वहीं आप प्राइवेट कॉलेज आसपास के प्राइवेट कॉलेज में BCA करने जाइएगा तो 1-1.5 लाख रुपया लेता है, लेकिन फिर भी बच्चे जाते हैं। आपका यही क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए वो इस तरह से शोकेस करते हैं अपने चीज को, इस तरह से दिखाते हैं अपने बिल्डिंग को, इस तरह से दिखाते हैं कि मेरे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो बच्चे होते हैं मतलब अवेयरनेस के कारण उनको पता नहीं होता कि मेरा फ्यूचर मतलब फ्यूचर में क्या हम कैसे प्रोसीड करेंगे, वो बड़े बड़े बिल्डिंग देख करके थोड़ा सा रास्ता मतलब भूल जाते हैं कि उनको कहाँ जाना चाहिए। सही चीज का उसको नहीं नॉलेज होने के कारण वो मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑप्ट करते हैं, क्योंकि वहां दिखावा जाता है, सौंप जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग बता रहे हैं, हम लोग अपने कॉलेज के बता रहे हैं, 70% 80% बच्चे प्लेस होते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस कर करके, लेकिन प्राइवेट कॉलेज का ये आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा उन्हें पता नहीं होता है, इसलिए वो लोग बच्चे ऑप्ट करते हैं प्राइवेट कॉलेज में। और समथिंग मोर टू गो फॉर राइट पाथ फॉर स्टूडेंट्स, काउंसलिंग चाहिए, बच्चों को काउंसलिंग करना होगा। कंप्यूटर साइंस पुराना सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, नया सब्जेक्ट ही है, नया ब्रांच ही है। तो इस जगह पे मैं बोलना चाहता हूँ कि इसके लिए एक स्कूल लेवल पे जब बच्चे को क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमको क्या बनना चाहिए, स्कूल लेवल पे सही काउंसलिंग होनी चाहिए। ये काम स्कूल लेवल पे ही हो सकता है, घर में गार्जियन नहीं कर सकते, क्योंकि सबके गार्जियन उतने अवेयर नहीं होते, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उस लेवल पे नहीं होते हैं कि गार्जियन अवेयर कर पाए, बच्चों को बता पाए। लेकिन इसके लिए एक स्कूल लेवल पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। और मैंने पिछले साल कोरोना से पहले मैंने कोशिश भी किया था इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पे होने पे वो आउटपुट नहीं आया, आउटपुट नहीं देखा। इसके लिए टीम वर्क चाहिए। हम लोगों को क्या करना होगा, जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं या कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को बताना चाहिए, उन लोगों को अवेयर करना चाहिए स्कूल में जाकर के। सपोज आप स्कूल से पास किए, जिस स्कूल से पास किए हो, आप बीएससी कंप्यूटर साइंस करके एक अच्छे जॉब में जाते हो, तो आपको आना चाहिए एक बार कॉलेज, आपको एक बार स्कूल जाना चाहिए, टीचर को बोल के प्रिंसिपल को बोल के एक सेमिनार या 10-15 मिनट का आपको बताना चाहिए कि देखिए आप कंप्यूटर साइंस पढ़ करके इस जगह पे जा सकते हो। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और, रोल ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग कंप्यूटर साइंस इन वेस्ट बंगाल? यस डेफिनेटली, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्लेइंग ए ग्रेट रोल इन दिस कंप्यूटर साइंस रिगार्डिंग द कंप्यूटर साइंस। अभी आप देखिएगा वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में अभी एक वैकेंसीज निकली है स्कूल में ICT के लिए, तो वैकेंसीज कितना मुझे एक्जैक्ट याद नहीं है, वो करीब ठीक ठाक वैकेंसीज है। ये ICT डेप्यूट करेंगे सभी स्कूलों में, वो क्या करेंगे बच्चों को ICT एनेबल बनाएंगे और ICT के बारे में अवेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है कि स्कूल्स लेवल पे जो भी मैं बोल रहा था कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलना चाहिए, ये गवर्नमेंट कर रही है। कॉलेज में आपको गवर्निंग बॉडी के मेंबर के रूप में चुना गया है, न्यूज मोमेंट टीम की तरफ से आपको धन्यवाद और बधाई। थैंक यू। बट लेकिन चुने जाने के बाद आप ऐसा क्या कुछ करेंगे ताकि वो कॉलेज डेवलप करे? देखिए मैं बोर्ड मिस्टर रजक टॉक्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, हियर इट इज। भेजते हैं तो हम लोग यही देखते हैं, फोकस करते हैं कि जो बच्चे आएंगे या जो
आएंगे हमारे एम्प्लॉय वो कंप्यूटर बैकग्राउंड हो, तो बेसिकली वी आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। सो यहाँ पे भी बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर साइंस बच्चों के लिए। और इसके बाद बीएससी करके, बीएससी कंप्यूटर साइंस करके आप सीएससी दे सकते हैं, उसके लिए आपको एमएससी करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा, पीएचडी नहीं करके भी एमएससी करके कर सकते हैं आप। कॉलेज सर्विस कमीशन में आप आ सकते हैं, स्कूल में तो स्कूल के बारे में बताए ही हैं हम, और गवर्नमेंट ऑफिस में के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस भी दे सकते हैं। और पिछले कुछ सालों से वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का जो मेंस पेपर होता है, कंप्यूटर साइंस का पेपर पहले नहीं आता था, लेकिन 4-5 स्टेट है इंडिया में जहां कंप्यूटर साइंस से आप मेन पेपर दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता, पहले क्या होता था, 8-10 साल पहले क्या होता था कि आप कंप्यूटर साइंस पढ़े हो, आपका सिविल सर्विस में बैठना चाहते हो, आप एग्जाम दिए, इंटर प्री दिए, मेंस में जब बैठते हो तो आपका अपना सब्जेक्ट छोड़ करके दूसरा सब्जेक्ट एक ऑप्ट करना पड़ता था, हिस्ट्री या कुछ इस टाइप का, पॉलिटिकल साइंस इस टाइप का। लेकिन अब ये नहीं है, आपका अपना सब्जेक्ट में आप मेंस पेपर, मेंस जो मेंस का पेपर होता है, मेन पेपर आप दे सकते हो। तो यहाँ कंप्यूटर साइंस के लिए भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज खुल चुकी है सिविल सर्विस में जाने के लिए। Stay with us for more knowledge on the subject after the break. Angel Vidya Mandir, a sure road to success. We provide classes from 8 to 10, 11 to 12, graduation. We also provide all types of competitive class like SSC, RAIL, WBCS and state level exams. For more information, contact 9932-864067 or 8116183079. Here is the last part of the interview of Mr. Rajak. Government side for educational awareness or its implementation in computer science. Definitely, पैसा तो लगेगा ही गवर्नमेंट को इसके ऊपर। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा, फंड सफिशियंट फंड आते हैं, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस तरह से और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, और कुछ अगर ज्यादा बजट एलोकेट किया जाए इस कंप्यूटर साइंस के ऊपर या पढ़ाई के ऊपर, तो ये बेटर होगा। बट इस साल भी बजट में गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा एलोकेशन नहीं हुआ एजुकेशन के लिए, तो वो तो श्रिंक करेगा, धीरे धीरे कम होगा। डेफिनेटली इसका असर एजुकेशन पे दिखेगा। तो आप तो गवर्नमेंट साइड से, आपको तो कुछ डिमांड करना चाहिए आपका। गवर्नमेंट के पास में हम लोग अपना रखेंगे कि एजुकेशन के लिए एक सफिशियंट फंड दिया जाए, हम लोग का अपील रहेगा हमेशा। ठीक है, थैंक यू। स्टे विथ अस फॉर मोर न्यूज आफ्टर द ब्रेक। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert by D.K. Lal sir. Address Rishi Arvind Nagar, Billa Road, Kulti, Paschim Bardhaman. For more information, contact 9832824975. Next part of the interview is with Vikas Kumar Sao, Senior Teacher of Arts Stream. Here it is. Introduction, sir, aapka. सबसे पहले मैं तो न्यूज मोमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ ही सभी हुए बच्चे जो इस पर परीक्षार्थी अपियर कर रहे हैं एचएस में, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम विकास कुमार साहू हुआ। मैंने सारी जो है मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो सभी पश्चिम बंगाल से ही है। मेरा क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन एजुकेशन है, और साथ ही मैंने बीएड कर रखा है, और वर्तमान समय में मैं एज ए ट्यूटर जो है प्रोफेशन में लगा हुआ हूँ। आपके दृष्टि में एडुकेशन के किन सब्जेक्टों को ज्यादा महत्व देना चाहिए जो आगामी परीक्षाओं में सिद्ध साबित होंगे? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एजुकेशन देखा जाए तो एक सब्जेक्ट ना हो करके अपने आप में एक समग्र जो है विषय है, एक ऐसा विषय जिसमें हर वो चीज है जिससे हम जुड़े हुए हैं। और रह गई कि जो आने वाली परीक्षाएं विशेष तौर से क्लास 11 एंड 12 के लिए, तो अभी तो रिड्यूस सिलेबस है, उसके बावजूद जो क्लास 12 में बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चैप्टर है मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग, ताकि बच्चे उसमें जान सके कि आखिर सीखने में कैसे कैसे क्या क्या जो है बच्चे काम कर सकते हैं, कैसे वे अपने हैबिट को बदल सकते हैं। और उसमें एक और चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जो हम लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, और ये फर्दर हर जगह काम लगता है। उसके बाद इसमें 2-4 और अच्छे चैप्टर्स हैं, जैसे कि कमीशंस हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 हम लोगों ने देखा, इसके पहले जो नई शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी, उसको जो है संशोधित किया गया था 1992 में, और वही शिक्षा नीति हम लोग तब से अब तक पढ़ रहे थे और अभी भी कई जगहों पर है, लेकिन ये नई शिक्षा नीति जो है इसके बारे में हमें बहुत अच्छा जानकारी जो है एजुकेशन सब्जेक्ट के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। छात्र कैसे एजुकेशन में आपके हिसाब से ज्यादा मार्क्स पा सकते हैं, उसके लिए कोई ज्यादा मार्क्स के लिए मैं तो सबसे पहले कह दूं कि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होना चाहिए, जो वर्तमान में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम दिखता है।
उसके लिए सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि जितने भी बच्चे चाहे वो जिस किसी भी विषय से जुड़े हों टेक्स्ट बुक पर अधिकतर फोकस करें। आज बच्चों को कल्पना हो गया है कि हम दो चार किताबें, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो लोग खरीदना चाहते हैं और साथ ही साथ वो लोग नोट्स बनाएंगे। नोट्स बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप पहले चीज को समझें, खुद से नोट्स तैयार कीजिए और उसको रिविजन कीजिए, 100 नोट्स तैयार कीजिए, वो आपके फर्दर भी काम लगेंगे। तो मैं बच्चों से यही कहूंगा कि बच्चे पहले टेक्स्ट बुक को थोरोली देखें, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी विषय से कुछ भी इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। Stay with us for more news after the break. Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1-800-258-7060. SMS of the moment. The truth is still the truth, even if no one believes it. A lie is still a lie, even if everyone believes it. Thank you for watching our video. If you liked it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.